एमसीडी में लगातार 15 साल से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन दिल्ली के वार्ड 82 के इंद्रलोक इलाके में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। नगर निगम की तरफ से साफ सफाई को लेकर तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन सभी वादे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। देखिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का वार्ड 82 बना कूड़ा लो। नेता मस्त, जनता त्रस्त, कोई नहीं इलाके की सुध लेने वाला। शिकायतों के बाद भी नहीं उठ रहा है कूड़ा। राजधानी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं। अब ऐसे में इसी बीच एमसीडी में लगातार 15 साल से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन हर जगह कूड़ा का ढेर लगा हुआ है। नगर निगम की तरफ से साफ सफाई को लेकर तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दिल्ली के वार्ड 82 के इंद्रलोक इलाके की है, जहाँ हर जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। हम मौजूद हैं सदर विधानसभा के वार्ड नंबर 82 में, जहां पर एमसीडी के कार्यों से क्षेत्र की जनता बेहाल है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और यहां पे मौजूदा सीट पर निगम पार्षदा, जो कि पिछले 14 सालों से सीट पे मौजूद हैं, और उनके कार्यों से क्षेत्र की जनता भी गुस्से में तिलमिलाई हुई है, क्योंकि क्षेत्र में जगह जगह कूड़े के ढेर बने हुए हैं। तो साथ ही साथ इलाके में कई जगह पानी भी भरा हुआ है, लेकिन निगम पार्षदा अपने इन कार्य के ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और क्षेत्र की जनता का साफ कहना है कि आगे वाले निगम चुनावों में क्षेत्र की जनता का फैसला उनके सामने होगा। यहाँ पिछले 15 सालों से कांग्रेस की ओर से प्रेरणा सिंह निगम पार्षद हैं। वो एमसीडी में साफ सफाई को लेकर तमाम बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से सड़क पर ही चलते कूड़ा डाला जा रहा है, जो काफी दिनों से उठा नहीं है। जो कूड़ा किनारे डाला गया है उसे गाय खा रही है। कूड़ा खाने से एक गाय की मौत भी हो गई है, जबकि कई गाय बीमार हैं। प्रेरणा सिंह जी की हम तारीफ करेंगे कि देखिए कितनी अच्छा, यहाँ पर इतना अच्छी बदबू आती है, इतना अच्छा कूड़ा फेंका जाता है, वो उनका कोई हिसाब ही नहीं कि कभी झांकने नहीं आती। इलेक्शन के टाइम पे आ जाएंगी, या जैसे अभी अंडरपास पे पानी भरा था तो 8-10 बच्चे इकट्ठा करके सोमदत्त मुर्दाबाद करने आ गई थी, अपने कामों को नहीं देख रही हैं। यहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सी चाय भी बेचती हूँ, गरीब आदमी हूँ। तो यहाँ पे कूड़े खत्ते के पास बच्चे हैं, खेलते हैं, बीमार लगते हैं, कब से एक महीने से कूड़े नहीं उठ रहे हैं। क्या हम लोग के बच्चे को शौक नहीं है साफ में खेले? 15 साल से वोट दे रही हूँ, जीत रही है, अपने शौक पूरे कर रही है, हमारे लोग के कुछ नहीं ध्यान कर रही है। वही इलाके की पार्षद प्रेरणा सिंह का कहना है कि इलाके में कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। सफाई एक रूटीन प्रक्रिया है और रूटीन में सफाई होती है, कई बार समस्या आ जाती है जिसकी वजह से कई बार कूड़ा नहीं उठ पाता है। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। सफाई प्रक्रिया एक रूटीन की प्रक्रिया है। हम लोग जब अपने घर में भी सफाई करते हैं तो शाम तक हमारा घर भी गंदा हो जाता है, अगले दिन हमें फिर सफाई करनी पड़ती है। तो रूटीन में यहाँ पर सफाई होती है, रूटीन में कूड़ा उठता है, लेकिन कई बार थोड़ी मोटी समस्या आती है, कोई कर्मचारी बीमार हो जाता है या फिर कभी जेसीबी कुछ खराब हो जाती है, तो हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती हो, जिसको हम लोग तुरंत प्रभाव से उसका सलूशन निकालते हैं। उसके अलावा हमने कॉम्पैक्टर मशीन का उद्घाटन किया है, एक तुलसी नगर में और दूसरा जखीरा जीरो पॉइंट पे। दो कॉम्पैक्टर मशीन हमारे यहाँ पे लग रही हैं और बहुत जल्दी जो जगह जगह कूड़े के छोटे छोटे खत्ते हैं वो जो है सारा कूड़ा कॉम्पैक्टर मशीन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो काफी खत्तों से हमें निजात मिल जाएगी। सदर बाजार इलाके के आप विधायक सोमदत्त शर्मा का कहना है कि वार्ड 82 में पिछले 15 साल में पति पत्नी की सरकार चल रही है, जिसकी वजह से इंद्रलोक का इलाका कूड़े का ढेर बन चुका है। वार्ड नंबर 82 आनंद पर्वत इंद्रलोक में पिछले 15 साल से जीते हुए निगम पार्षद पति पत्नी की सरकार चल रही है और आज वार्ड नंबर 82 कूड़े का ढेर बन चुका है। ठीक है, एमसीडी का प्रमुख काम है गलियों की, नालियों की, जालियों की साफ और सफाई की व्यवस्था रखना। आप सोचिए, अगर खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.